अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद नाहिदा खादरी, एनआरक्यू 24 न्यूज़ से। आज हम प्राणी हवेली डीसीपी ऑफिस आए हैं, जहां पर 30 लाख का गुटखा और उसे बनाने की मशीनों को सीज्ड कर लिया गया है। जैसे कि बताया गया है कि चंद्रन गुट्टा पीएस लिमिट से 25 लाख का गुटखा और उसे बनाने की जो मशीन से उसे सीज्ड किया गया है, और उसी के साथ साथ रैन बाजार पीएस से 5 लाख का गुटखा और उसे बनाने की मशीनों को सीज्ड किया गया है। आइए इसी की एक रिपोर्ट हम आपको। पुलिस कमिश्नरेट के अंदर साउथ जोन पुलिस अंडर सुपरविजन ऑफ एडिशनल डीसीपी एसीपी फयाज पलकनामा, एसीपी आनंद मीरचौक, इंस्पेक्टर चंद्रन गुट्टा, इंस्पेक्टर रेन बजार, सब दो टीम्स बना के 30 लाख वर्थ गुटका जर्दा दो भी बैनड आइटम्स है। ये गुटका जर्दा एंड मिशंस रॉ मटेरियल पैकिंग पेपर एंड दैट मिशनरी रॉ मटेरियल ये पूरा सीज कर दिया। रेन बाजार का पुलिस 5 लाख वर्थ ये गुटका जर्दा प्रोडक्ट्स एंड उनका रॉ मटेरियल सीज कर दिया अमन नगर से। चंद्रन गुट्टा पुलिस एक मुनूरुद्दीन एक बीटेक स्टूडेंट था, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम में उनका अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में ये पूरा आजकल बैन हो गया, पुलिस भी टाइट कंट्रोल कर रहा है। इस मामला में थोड़ा रिमोट एरिया में वो मिशनर इंस्टॉल करके वो बनाना चाह के वो एक दो महीने हो गए। ये कोत्तपेट बालापुर पुलिस स्टेशन के अंदर कोत्तपेट विलेज वो चंद्रन गुट्टा से थोड़ा आगे है, वहाँ वो यूनिट इंस्टॉल कर दिया। इसको पकड़कर, इसका कुछ पैकेट्स पकड़कर, इसके कन्फेशन स्टेटमेंट में ये बालापुर पुलिस स्टेशन के अंदर कोत्तपेट विलेज जाके ये पूरा मशीनरी एंड 25 लाख वर्थ ये पूरा पैकिंग मटेरियल रॉ मटेरियल चालिया टोबैको पाउडर और ब्लेंडेड गुटका ये पूरा सीज कर दिया। ये लोग मेन जो है वो बनाने वाले ये पूरा कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल हो गया ऑलमोस्ट ऑल। अभी कुछ लोग थोड़ा गली गली से रिमोट एरिया में बाहर से यूपी बिहार से लोगों को लाके यहाँ आदमी उनको असिस्टेंट बनाएगा तो वो इन्फॉर्मेशन दे देगा मीडिया को पुलिस को, ऐसा समझकर वो बिहार यूपी से वो लेबर को लाके चुपचाप करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन पब्लिक वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक कम्युनिटी से आए, उनको पकड़ कर ये पूरा सीज कर दिया। तो ये आदमी संतोष नगर का रहने वाले, सो टोटल मुनूरुद्दीन और शेख मोहम्मद अमीद, शेख अनवर एंड मोहम्मद उस्मान चार लोगों को गिरफ्तार करके ये 30 लाख वर्थ गुटका जर्दा एंड मिशनरी ये सीज करके कोर्ट के सामने पेश कर रहे। दो इश्यूज में वो बॉर्डर एरिया साइबराबाद राजपंडा चंद्रन गुट्टा बहादुरपुरा एरियाज में थोड़ा कॉलोनीस में चुपचाप रिमोट कॉलोनीस में करके वो बाहर यूपी कानपुर बिहार से कुछ लोग लेबर को लाके बना रहे, लेकिन तुरंत इन्फॉर्मेशन आ रहा है। ये भी थोड़ा अभी शुरू कर दिया, शुरू करने में इन्फॉर्मेशन आया तो पब्लिक के अवेयरनेस अभी बढ़ गए, पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके इन्फॉर्मेशन दे रहे। तो किसी रूप से गुटका और जर्दा ये बैनड प्रोडक्ट्स एलो नहीं करेंगे, सख्ती से एक्शन ले लेंगे। और दूसरा बीदर गुलबर्गा महाराष्ट्र कर्नाटक से थोड़ा क्लैंडेस्टाइन मैनर में ला रहा है छोटा छोटा पैकेट्स, वो भी ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्टर्स जो आदमी पहले करा उनको पूरा
नज़र रख दिया उनके मूवमेंट्स को, उनका बिहेवियर को वो सर्विलेंस कर रहे हैं। तो इस मामला में अगर स्टार्ट करेगा तो इमिडिएटली इन्फॉर्मेशन आ रहा है। सो 99% पूरा कंट्रोल हो गया, तो ये बहुत बढ़िया कैच है। तो कोई वो लोग सोच रहा है पुराना शहर और हैदराबाद सिटी में दूसरा वाला नहीं आएगा, हम बाहर नहीं जाएंगे, बेदर भी जाएंगे, गुलबर्गा जाएंगे, मेन आदमी को भी पकड़ेंगे, लेकिन ये इंस्टॉल कर दिया, मेन आदमी इज़ मुनीरुद्दीन। सो और डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं वो, जो मेन कंपनीज वो लास्ट 6-7 मंथ से वो स्टॉप कर दिया, वो ब्रांड्स डुप्लीकेट करके बना रहे हैं। असल गुटका इटसेल्फ इज वेरी डेंजरस टू हेल्थ, अगर डुप्लीकेट फेक एडल्ट्रेटेड करेगा तो और ज़्यादा इली में नुकसान पहुंच जाएगा। आराम मसाला और बंधों का गुटका डुप्लीकेट तो पूरा ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो डुप्लीकेट बना रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन में मालूम हुआ आपको। तो इन्वेस्ट के लिए ये मुनीरुद्दीन इज द मेन ओनर, मुनीरुद्दीन इज द बीटेक स्टूडेंट, अभी क्या कर दिया, पूरा बैन हो गया, पूरा कंट्रोल में आ गया, तो कभी भी नहीं मिल रहा है, इतना आसान से नहीं मिल रहा है। सो इसीलिए ये करेगा तो छोटा इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा छोटा छोटा रेंट लेके रिमोट एरिया में करेगा तो उनको फायदा प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। अगर 1 मंथ 2 मंथ्स करेगा तो लैक्स ऑफ रुपीस आ रहा है अभी, तो इसीलिए वो लोग थोड़ा टेम्पटेशन करके कर दिया, लेकिन जो स्टॉप कर दिया वो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो लोग को स्टॉप हो गया है ना, तो इमिडिएटली ये भी अच्छा है। तो और एम इज टू कंट्रोल द बैंड प्रोडक्ट्स। ओके, थैंक यू। इसी के साथ मैं सैदा नागदा खादरी, NRQ24 न्यूज़ है। इसी तरह मैं आपके सामने सच्चाई दिखाते रहूंगी, इंतजार करिए मेरे अगले न्यूज़ का। मेरे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।